फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स याद है आपको उत्तराखंड में स्टाफ नर्स की भर्ती आई थी जो कि 3 बार एग्जाम होते होते कैंसिल हो गया था। उसके बारे में एक और नई लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने हमारे पास आ रही है। वो अपडेट कौन सी है आपके साथ हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं डॉक्टर पंकज कुमार पांडे सचिव उत्तराखंड शासन है सेवा में महानिदेशक चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड देहरादून, जहां पर स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती के पदों को चयन की कार्रवाई के संबंध में, जैसे कि आपको पता है आज की ही डेट को यानी कि 21 को रिलीज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इससे बाद में एक ऑडियो टेप भी रिलीज हुआ था जहां पर कि काफी जो है पैसे लेकर बात कही गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं उपयुक्त विषयक शासनदेह इतना के अनुसार 4 दिसंबर 2020 को संदर्भ ग्रहण करने के कष्ट में जो कि विभागीय आवश्यकता पर COVID-19 की वैश्विक महामारी की वजह से स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती पदों पर शीघ्रता भर्ती के तत्काल के दृष्टि के देखते हुए प्रथम चयन की जो प्रक्रिया है उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से संवादित कराए जाने के संबंध में। पहले आपको पता है ये अलग अलग भर्तियां निकली हुई थी, बोर्ड की अलग निकली हुई थी, परिषद की अलग निकली हुई थी, बाद में दोनों को टाइप करके करीब 2000-2500 के ऊपर से पदों को एक साथ एग्जाम करा दिया गया, करा नहीं दिया गया, कराने की कोशिश की गई जो कि 3 बार असफल भी हुई, चौथी बार पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने चौथी बार तो ऑडियो ही रिलीज हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट में इस संबंध में उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2020 के दृष्टिगत शासन द्वारा समन्वयक विचारोपरांत उक्त पदों पर चयन की कार्रवाई उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद की जगह उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें जो है उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद की जगह अब आपको ये भर्ती उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त चयन की प्रक्रिया उत्तराखंड सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से संपादित किया जाने हेतु आवश्यक अगर कार्रवाई करने का कष्ट करें डॉक्टर पंकज पांडे सचिव। तो फ्रेंड अब देखते हैं अब क्या अपडेट निकल के सामने आता है, कब स्टाफ नर्स के एग्जाम होते हैं। हालांकि बाद में ये हुआ था कि जुलाई के आसपास होगा, लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं पता है। जैसे कि आपको पता है कि COVID-19 की थर्ड वेव भी आने की बिल्कुल आसार दिखाई दे रहे हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास। लेट होप कि और क्या अपडेट यहाँ पे आती हैं। फिलहाल स्टाफ नर्स की भर्तियाँ जो होने वाली थी उसके जो एग्ज़ाम है उसका जिम्मा सारा उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को दे दिया गया है। अब देखते हैं क्या आगे होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि स्टोरीज में भी हम बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।